12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है, ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। पीएम ने कहा कि बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच तकरार अभी तक खत्म नहीं हुई है। ममता बनर्जी की ओर से लगातार इस मसले पर बयान दिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी बयानों का जवाब दिया गया है। बयान में साफ साफ कहा गया है कि पीएम ने मीटिंग छोड़ने की परमिशन नहीं दी थी। वहीं ममता का कहना है कि वो इजाजत लेकर वापस गई थी। सोमवार को भी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तंजिया लहजे में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर मन की बात पीएम कहकर संबोधित किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार अब धीरे धीरे थमने लगा है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका ने सबको टेंशन में डाल दिया है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने सीरो सर्वे करने का फैसला किया, यानी जल्द ही देश भर में चौथा सीरो सर्वे होगा। चौथा सीरो सर्वे में कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। सर्वे में ग्रामीण इलाकों पर खास जोर होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को ध्यान में रखते हुए 3 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। इन जिलों में लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, जौनपुर शामिल है। अब तक 64 जिलों में ढील दी गई है। इन सभी जिलों में साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं अब यूपी के 11 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू रह गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है, इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीरे धीरे काबू में आने लगी है और नए मरीजों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतें भी कंट्रोल में आ रही हैं। वैक्सीन की रफ्तार भी तेज होने वाली है। मंगलवार को भी हैदराबाद में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का सबसे बड़ा शिपमेंट पहुंचा। करीब 56.6 मीट्रिक टन का शिपमेंट हैदराबाद पहुंचा। इनमें करीब 30 लाख वैक्सीन की डोज है जो जल्द ही देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगी। दिल्ली पुलिस ने वायुसेना भवन के पास से सोमवार सुबह 3 किसानों को गिरफ्तार किया। ओपन जिप्सी में 3 किसान लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जा रहे थे। उस दौरान इन किसानों को रोका गया और पूछताछ के बाद लॉकडाउन के उल्लंघन और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि जमानती धारा होने के चलते इन्हें जमानत दे दी गई। पंजाब के कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने कोटकपुरा बेअदबी और पुलिस फायरिंग के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल से मिलने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले समिति ने सोमवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत पंजाब के 26 नेताओं से फीडबैक ली थी। ये पैनल बुधवार तक दोनों पक्षों की बात सुनेगा। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना है कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक घायल हुआ था। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने इन सभी सैनिकों को बहादुरी पदक से नवाजा। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों का मानना है कि इस हिंसा में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई, लेकिन बाद में घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव बना। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को सेंसेक्स निफ्टी सपाट स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 3 अंक की मामूली गिरावट के साथ 51,935 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंक यानी 0.05% नीचे 15,575 के स्तर पर बंद हुआ।